पूरे भारत और विश्व के अंदर ऐसा नेता हम लोग ने पाए हैं, पाए दोबारा। ये फूलन देवी के बाद इनका दूसरा नंबर है। 4% कोयरी होकर, कृमी होकर बिहार में राज कर रहा है और हम लोग 16% होकर बिहार के गद्दी पर नहीं बैठ सकते हैं। हमारे मुकेश सहनी के घर में दूध है, जिसको दही जमाना होगा उसके घर में आके जमाएगा। कहाँ है और कैसे है आज सबको बता देंगे। आपको दम दिखता है कि नहीं मुकेश? बहुत दम दिखता है जी। आप पूरा पटना पटा हुआ है, देख लीजिए आप। जैसे जंगल में एक शेर दहाड़ता है, इसी तरह मुकेश सहनी दहाड़ रहे। पूरे बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड के जितने भी निषाद कुल में जन्मे हुए हम लोग मुकेश सहनी को अपना नेता मानते हैं। मतलब हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिला है, 75 जिला से लोग आए। अच्छा, कितने लोग आए यहाँ? कम से कम हमारे ख्याल से 700 के लगभग होंगे। एकदम सीएम, अगर उनका पसीना बहेगा तो हम लोग खून बनाने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सन ऑफ मल्ला के नाम से चर्चित मुकेश सहनी ने साफ कहा है कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के निषादों ने ठाना है कि जब तक आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और जब गठबंधन नहीं तो फिर वोट नहीं। आपको मालूम है कि आज 25 जुलाई है और आज VIP वीरांगना फूलन देवी का शहादत दिवस मना रहा है। तो देखिए, इस वक्त लाइव सिटीज की टीम कृष्ण मेमोरियल हॉल में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि आज ही 25 जुलाई है और आज ही VIP के मुकेश सहनी 100 दिनों की पदयात्रा पर भी निकलने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पूरे पोस्टर्स से कृष्ण मेमोरियल हॉल को सजा दिया गया है। आपको हम वो भी दिखाएंगे कि पूरे पटना को VIP रंग में रंग दिया गया है। आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले मुकेश सहनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और साफ कहा था कि 25 तारीख को VIP हर जगह ट्रेंड करने वाला है। अब आप देख सकते हैं कि बिहार के कोने कोने से यहाँ पर VIP कार्यकर्ता आ रहे हैं, तो यहाँ पर उन लोगों से भी हम बात करेंगे। क्या नाम है सर? पच्चू मुखिया नाम है, मधुबनी जिला से आया हूँ। मधुबनी से आए हैं, काहे के लिए आए हैं आप? आज वीरांगना फूलन देवी जी का शहादत दिवस है। अच्छा, मुकेश जी ने ये कार्यक्रम रखे, हमारे लोग का जो नेता जी है, इसी के कार्यक्रम में हम लोग आए हुए हैं सर। इसी कार्यक्रम में जी, बिहार, पूरे बिहार से उत्तर प्रदेश, झारखंड, तीन। अच्छा, क्या चाहते हैं मुकेश सहनी किसके साथ गठबंधन करें? अभी तो सर नहीं वो बात हुई, आप देखिए तो। चाहते क्या है, NDA में जाए या इंडिया में जाए? अब देखिए, ये तो अभी हम नहीं बता सकते हैं सर, ये तो नेता जी का वो है। चलिए, क्या नाम है आपका? हमारा संतोष मुखिया नाम हुआ सर। मधुबनी से आए हैं सर। अच्छा, काहे के लिए इतनी धूप में यहाँ पर आए हैं सर? धूप में इसलिए आए हैं कि आज हमारे वीरांगना फूलन देवी का शहादत दिवस है। अच्छा। और आज हमारे माननीय नेता जी जो मुकेश सहनी जी हैं, आज वो मंच के ऐलान से बता देंगे सबको कि हम कहाँ हैं और कैसे हैं, आज सबको बता देंगे। आपको दम दिखता है कि नहीं मुकेश सहनी? बहुत दम दिखता है जी। आप पूरा पटना पटा हुआ है, देख लीजिए आप। पूरा पटना, बहुत दम है, सबको दिखा देंगे। सरकार बनाने का मतलब मुकेश जी को साथ में रखना पड़ेगा। कोई भी पार्टी सरकार बनाएगा ना तो मुकेश जी को साथ में रखना पड़ेगा जी, तब ये सरकार बनेगा। जैसे जंगल में एक शेर दहाड़ता है, इसी तरह मुकेश सहनी दहाड़ रहे हैं। देखिए, बड़ी बात कह रही है कि जैसे जंगल में एक अकेला शेर दहाड़ता है, वैसे ही सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी दहाड़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, हम लोग औरत होकर उनके साथ दहाड़ेंगे? अच्छा, आप लोग भी दहाड़ेंगे? हाँ, आज वीरांगना फूलन देवी का दिवस दिन है, और उसी तरह जैसे वो अपना बलिदान देके गई है, उसी तरह अगर हम लोगों को बलिदान देना पड़ेगा तभी हम लोग दहाड़ते रहेंगे और जान देने के लिए तैयार रहेंगे। अच्छा, ये बताइए मुकेश सहनी इतने पसंद क्यों हैं? इसलिए पसंद है, वो हमारे मुखिया हैं। अच्छा, वो मुकेश सहनी जी हमारे मसीहा हैं। देखिए, मुकेश सहनी को ना तो इंडिया में बुलावा आया, ना तो NDA की बैठक में बुलावा आया। दम कम हो गया है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं कम हुआ है, इसलिए कि मुकेश सहनी अपने आप को खुद मजबूत हैं। तो मजबूत हैं तो किसी के साथ तो गठबंधन करेंगे ना, बुलावा ही नहीं आया। देखो नहीं सर, अगर जिसको हमारे मुकेश सहनी के घर में दूध है, जिसको दही जमाना होगा उसके घर में आके जमाएगा। जिंदाबाद। मेरा नाम राजकिशोर चौधरी, कहाँ से आए? गया जिला से हम लोग आए हैं। गया से आए जी, खास के इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए हैं? नहीं 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 नहीं, अपना पार्टी को जमीन से आसमान तक ले जाने के लिए आए हैं। और हम लोग पूरे बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड के जितने भी निषाद कुल में जन्मे हुए हम लोग मुकेश सहनी को अपना नेता मानते हैं। नेता मानते हैं, सीएम बनवाना चाहते हैं?
एकदम सीएम अगर उनका पसीना बहेगा तो हम लोग खून बनाने के लिए तैयार हैं। अच्छा। हमारा नाम नंदलाल निषाद है। कहाँ से आए हैं चाचा? हम उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर से आए हैं। अच्छा, काहे के लिए उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हैं? इसलिए आए हैं कि हमारी आरक्षण की लड़ाई है। हमारे माननीय मुकेश जी, मुकेश साहनी जी जो लड़ रहे हैं वो अति उत्तम और पूरे भारत और विश्व के अंदर ऐसा नेता हम लोग ने पाए हैं। पाएंगे दोबारा, ये फूलन देवी के बाद इनका दूसरा नंबर है। इनका दूसरा नंबर दूसरा नंबर है। अच्छा, क्या अच्छा लगता है मुकेश सहनी? इनका ये अच्छा लगता है कि सबको साथ लेकर चलते हैं, इसलिए अच्छा लगता है। अच्छा लगता हर जाति धर्म उत्तर प्रदेश से भी लोग आए हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश क्या मतलब, हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिला है, 75 जिला से लोग आए हैं। अच्छा, कितने लोग आए हैं यहाँ? कम से कम हमारे ख्याल से 700 के लगभग हो गए। 700 लोग उत्तर प्रदेश से खास के इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए हैं। जौनपुर जिला से आए हैं। आप भी जौनपुर से आए? जी जी। अच्छा, ये बताइए कि मुकेश सहनी में दम दिखता है कि नहीं? बहुत, एक नंबर दम दिखता है। हाँ। ऐसा नेता कभी न हुआ है हमारे समाज में, न होगा, न होगा। देखिए, महिलाएं भी आई हैं। क्या नाम है चाची? मानना प्रेमा देवी। काहे को आई है मालूम भी है? फूलन बहन जी के सदस्य दिवस मना है। शहादत चाची। हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए कि मुकेश सहनी कैसे नेता है? बहुत अच्छा नेता है। वही तो एक बिरादरी में पैदा भर लाल। अच्छा। हाँ, लाल पैदा भर। लाल पैदा भर। समाज समाज के लिए एक लाल पैदा भर। अच्छा। भगवान पैदा हुए हैं समाज। भगवान पैदा हुए हैं। नाम सिकंदर कुमार सहनी है, मैं मोतिहारी से आया हूँ। 5% और सीएम बनता है, हमने 14% है, सीएम नहीं बन सकते हैं। मुकेश सहनी को सीएम बनाइएगा? जी बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। 4% कोयरी होकर, कृमि होकर बिहार में राज कर रहा है और हम लोग 16% होकर बिहार के गद्दी पर नहीं बैठ सकते हैं। तो सुना आपने कि कार्यकर्ताओं में कितना जोश है, कितना उत्साह है। देखिए, साफ कह रहे कि मुकेश सहनी शेर है और जब शेर दहाड़ता है तो मंजर कुछ ऐसा ही होता है। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया। पूरे भारत और विश्व के अंदर ऐसा नेता हम लोग ने पाए हैं, पाएंगे दोबारा। ये फूलन देवी के बाद इनका दूसरा नंबर है। 4% कोयरी होकर, कृमि होकर बिहार में राज कर रहा है और हम लोग 16% होकर बिहार के गद्दी पर नहीं बैठ सकते हैं। हमारे मुकेश सहनी के घर में दूध है, जिसको दही जमाना होगा उसके घर में आके जमाएगा। कहाँ है और कैसे है आज सबको बता देंगे। आपको दम दिखता है कि नहीं मुकेश सहनी? बहुत दम दिखता है जी। आप पूरा पटना पटा हुआ है, देख लीजिए आप। जैसे जंगल में एक शेर दहाड़ता है, इसी तरह मुकेश सहनी दहाड़ रहे हैं। पूरे बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड के जितने भी निषाद कुल में जन्मे हुए हम लोग मुकेश सहनी को अपना नेता मानते हैं। मतलब हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिला है, 75 जिला से लोग आए। अच्छा, कितने लोग आए हैं यहाँ? कम से कम हमारे ख्याल से 700 के लगभग हो। एकदम सीएम अगर उनका पसीना बहेगा तो हम लोग खून बनाने के लिए तैयार हैं।